चलिए दोस्तों, CSS का जो हम लोग फ्लैक्स बॉक्स देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे उसमें एक ऑर्डर आता है, ऑर्डर का यूज क्यों करते हैं, उसके बाद फ्लैक्स का आपका क्या बोलते इसको, फ्लैक्स ग्रो होता है, फ्लैक्स इंक होता है, तो वो सब हम लोग किस लिए यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे जिस तरह से बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री, ये जो है चाइल्ड एलिमेंट है, और यहाँ पे हम सबसे पहले ये कंटेनर जो है यहाँ पे मैंने डिस्प्ले एज ए फ्लैक्स प्रॉपर्टी यूज किया है। अब देखिए अगर मैं ऑर्डर में सेट करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बॉक्स वन, और यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर लिखता हूँ और इज टू लिख के फिर यहाँ पे अगर मैं वन करूंगा या फिर यहाँ टू कर देते हैं, ठीक है, देखिए तो इसका पोजिशन जो है एकदम लास्ट में आ गया है ना। उसके बाद जाके फिर ये जो बॉक्स है यहाँ पे मैं ऑर्डर में जाता हूँ और इस टू करते हैं और यहाँ मैं थ्री कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये हो गया वन, ये हो गया टू, मतलब बॉक्स वन का पोजीशन जो था वो हम लोगों ने क्या दिया था, टू दिया था ना, हाँ ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने दिया था थ्री, इसीलिए टू के बाद थ्री। अब उसी तरह से बॉक्स थ्री है, इसका हम लोग अगर यहाँ पे ऑर्डर लिखते हैं order is to, अब मैं इसका फोर कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों अब इसका ये हो गया आपका बॉक्स वन का पोजीशन, हम लोगों ने क्या दिया था, टू दिया था, तो ये हो गया टू, ये हो गया आपका थ्री और ये हो गया फोर, और बॉक्स फोर जो है उसका पोजीशन हम लोग कर देंगे वन, order is to वन, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्डर में हम लोग कोई भी बॉक्स को कहीं पे भी सेट कर सकते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज हम लोग देखेंगे कि जो फ्लैक्स का जो ग्रो प्रॉपर्टी होता है तो उसका यूटिलाइज हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैं सबसे पहले ये जो बॉक्स टू है यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लैक्स और उसके बाद ग्रो, GROW ग्रो, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद में अगर मैं यहाँ पे टू लिखता हूँ तो देखिएगा ऊपर में जो चेंजेस आएगा। तो देखिए दोस्तों फ्लैक्स टू जो है वो टू टाइम जो होगा ये बड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, इसका साइज बड़ा हो जाएगा। उसी तरह से हम बाकी बॉक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं जाता हूँ थ्री में जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्लैक्स, सॉरी यहाँ पे ग्रो लिखना पड़ेगा हम लोग को, फ्लैक्स ग्रो, ठीक है, फ्लैक्स ग्रो, और यहाँ मैं वन कर देता हूँ, बाकी सबका वन वन रखूंगा। अगर किसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और फिर फोर में जाता हूँ, यहाँ पे भी वन कर देता हूँ, और उसके बाद जाके और क्या बच जा रहा है हमारा, तो वन में, तो वन में बच गया, यहाँ पे वन कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों बाकी सब जो है वन वन करके है, बाकी फिर बॉक्स टू जो है इसका साइज इन लोगों से ये दो गुना बड़ा हो जाएगा। तो ये हो गया फ्लैक्स ग्रो का यूज। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और आता है दोस्तों, जैसे कि आता है आपका फ्लैक्स FLEX फ्लैक्स, और ग्रो की जगह में अगर हम सिंक यूज करेंगे सिंक, और यहाँ पे सिंक करने के बाद में मैं यहाँ पे 0.5 कर दूंगा, ठीक है, ठीक है ना, और ये ग्रो को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, बाकी सब जो है इससे आपका ये आधा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने सिंक प्रॉपर्टी लगाया। तो ग्रो से हम लोग साइज को ग्रो कर सकते हैं और सिंक से उसका साइज को हम लोग कम कर सकते हैं। ये आपका हो गया फ्लैक्स ग्रो और फ्लैक्स सिंक सिंक का यूज। उसके बाद दोस्तों और एक होता है फ्लैक्स फ्लो, तो उसका यूज हम लोग कंटेनर जो जिसका पेरेंट एलिमेंट है उसमें करते हैं। यहाँ पे जैसे मैं लिख दूंगा फ्लैक्स और उसके बाद फ्लो, तो फ्लैक्स फ्लो जो है दोस्तों इसमें क्या होता है कि हम लोग फ्लैक्स डायरेक्शन और फ्लैक्स का वेपर जो होता वो दोनों चीज हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ये एक शॉर्ट हैंड दिया गया है, फ्लैक्स फ्लो एक शॉर्ट हैंड है जिससे कि हम लोग आपका फ्लैक्स का जो डायरेक्शन है और जो वेपर है वो दोनों यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख दूंगा रो रिवर्स, इसको भी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा आपका रेप, ठीक है ना, तो देखिए ये रिवर्स भी हो जाएगा और रैप भी हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लैक्स फ्लो से क्या होता है, हम लोग फ्लैक्स डायरेक्शन
और जो फ्लैट स्वेप है वो दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,